साथियों, जिसको आप देख पा रहे हैं पीछे पहाड़ है, बादल बिल्कुल टच है, लगे हुए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये दरअसल लोग, बहुत सारे लोग भूल भुलैया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन उस समय पे वो इनमें नहाया करते थे और बाकी पीने वगैरह का पानी वो नीचे से ले आया करते होंगे कुएं में। मेरे पास ये 200 का नोट है और इस 200 के नोट में एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं। ये जो तस्वीर है, इस पे नीचे लिखा है सांची का स्तूप। और अब जब आप को मैं लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे सेम, जिनको हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ एक में ही हैं, आगे मैं आपको और बहुत सारी चीजें यहाँ दिखाऊंगा। आज हम लोग एक ऐतिहासिक धरोहर पे हैं। जब वो ऐतिहासिक धरोहर क्या है, पहले आपको ये पीछे ये कुछ खंभे आपको नजर आ रहे होंगे, जिनको आप तमाम लोग पुराने किले और तमाम चीजें बोलते हैं, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास जुड़ा है कलिंगा युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद जब आम जनमानस मारे गए, तब पूरे विश्व के सबसे बड़े सम्राट अशोक, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मुझसे गलती हुई है, कि मेरी वजह से आम जनमानस और बहुत सारे लोग मारे गए हैं तत्पथागत, तब सम्राट अशोक ने कहा कि आखिर मैं इन इतने सारे पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। तब सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को अपनाया और उन्होंने ये देखा कि बुद्ध धम्म से अच्छा कोई मार्ग नहीं है, अहिंसा का, शांति का। जिसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, तलवार छोड़ दी, और उसके बाद वो बुद्ध की शरण में आ गए। और उन्होंने जब देखा कि अब बुद्ध का प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए, उस धम्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तब सम्राट अशोक ने बिहार के कुशीनगर में, जहाँ तथागत बुद्ध की अस्थियाँ रखी थी, वो वहाँ से उन अस्थियों को लाए और तमाम जगहों पर उन्होंने ऐसे ही 84,000 स्तूप बनवाए। मैं उन्हीं स्तूपों में से आज 3 स्तूप जहाँ बने हैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रायसेन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बहुजन जागो मार्च की यात्रा चल रही थी, तो रस्ते में ये पड़ा, जिसको आज हम लोग सांची के स्तूप के नाम से जानते हैं। मेरे पास ये 200 का नोट है और इस 200 के नोट में एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। मैं चाहूँगा कि आप इसको दिखाएं। ये जो तस्वीर है, इस पे नीचे लिखा है सांची का स्तूप। और अब जब आप को मैं लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे सेम यही बना है जो इस 200 के नोट पे था। मतलब ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि समाज के सभी लोगों को इन ऐतिहासिक धरोहर को देखने आना चाहिए। यहाँ पे तथागत बुद्ध के 2 शिष्य जो थे, उनकी भी अस्थियाँ यहाँ हैं। और इतिहास बहुत बड़ा है जब बताया जाता है, ये कई हजार सालों तक, मतलब कई सौ सालों तक, 500-700 सालों तक ये ढका रहा, किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे कोई बना हुआ है। जब अंग्रेज यहाँ आए थे, तब अंग्रेजों के द्वारा ही इसको जो है खोजा गया था, और अंग्रेजों के द्वारा ही जब इसको खोजा गया, तब अंग्रेजों ने देखा। अमूमन जब आप लोग यहाँ घूमने आएंगे तो आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप आगे आइए, जब आप देखेंगे तो ये बना है, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। मतलब बस आप यहाँ से जाएंगे, छोड़ दिया था, तब यही रायसेन से आगे विदिशा जिला पड़ता है, उसी विदिशा जिले से सम्राट अशोक ने अपनी दूसरी शादी की थी, क्योंकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला परिवार था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ सम्राट अशोक की ससुराल भी थी, तो कहीं सम्राट अशोक ने इसके अंदर कोई खजाना तो नहीं छुपाया है, क्योंकि उस समय बताने वाला तो कोई था नहीं कि इनके अंदर अस्थियाँ हैं। ये जो आप स्तूप देख रहे हैं, सबसे खास बात कि यहाँ तथागत बुद्ध की अस्थियों के कुछ हिस्से इस जमीन के अंदर दफन है, इस पर ये स्तूप बना हुआ है। आइए मैं आपको स्तूप के अंदर लेके चलता हूँ, आगे स्तूप के अंदर है क्या। आइए
चीजें सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई। आप ये देखिए प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हैं क्योंकि 500-700 साल तक ये दफन रही मट्टी से, हवा, धूल, पेड़ पौधे सारी चीजें। और इसके अंदर इसी दीवार के अंदर तथागत बुद्ध की अस्थियों के कुछ हिस्से हैं इसी, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ इसको आप वो बोल सकते हैं। ये देखिए आप एक और प्रतिमा है। कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि यहाँ का एक निजी जमींदार जो था उसके द्वारा बहुत सारी प्रतिमाओं का खंडन किया गया, जिस जैसे यहाँ पे आपको सर नजर नहीं आ रहा है, बताया जाता है कि ऐसा किया गया है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे जो आपको बोले दिख रहे हैं असल मायने में अस्थि है, क्योंकि बुद्धिज्म में जैसे और धर्मों में किसी को जला दिया जाता है और बस राख को फिर गंगा में बहा देते हैं, कहीं बिल्कुल शरीर को ही दफना दिया जाता है, लेकिन बुद्धिज्म में क्या होता है कि हम लोग जलाने के बाद जो अस्थियाँ होती हैं उनको हम लोग जमीन में दफन करते हैं। ऐसे ही ये जो आपको राउंड राउंड ये सब दिख रहे हैं ये समाधि हैं इन तमाम बौद्ध भिक्षुओं की, उन मोंगों की जो यहाँ पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते थे। जब वो यहाँ अपने का शरीर खत्म हुआ तो फिर उनको यहाँ, मतलब ये बड़ा ही अच्छा है, ऐतिहासिक धरोहर है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये सौभाग्य है कि तथागत बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए उनमें से 3 स्तूप यहाँ मौजूद है और मैं उनका मुआयना आज कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय, आपको दूर दूर तक दिख पा रहा होगा सारी चीज़ें। और ये देखिए आज हम तमाम बौद्ध विहारों में इस तरह के गेट बने हुए देखते हैं। इस तरह के गेटों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। वो सम्राट अशोक जो बहुत बलशाली थे, लेकिन बुद्ध की शरण में आके उन्होंने भी अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे प्रेम, प्यार, भाईचारा है, जहाँ युद्ध की कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा कि हम लोग बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें, उस धम्म को अपनाकर भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाएं। साथियों आपको मैं और आगे लेके चलता हूं तो आपको दिखेगा कि दूर दूर तक यहाँ पीछे पहाड़ियां हैं, बादल जो है वो टच है पहाड़ियों पर। और मतलब बड़ा भव्य, आप परिवार सहित जब यहाँ आएंगे तो आपको ऐतिहासिक धरोहर भी देखने को मिलेगी। आपको पता लगेगा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप जो बनवाए, ये आपको दिख रहा है, ये 42 फीट का एक खंभा हुआ करता था जिसके ऊपर सिंहमुख के चिन्ह थे जो आप देखते हैं। और वो यहाँ के एक लोकल जमींदार के द्वारा कभी तुड़वा दिया गया था, कोलू वगैरह झोंकने के लिए। एक स्तूप ये है, इधर तथागत बुद्ध और इधर उनके जो 2 शिष्य थे उनमें से एक का ये है। और एक और स्तूप यहाँ पे है मौजूद, उसके बारे में भी आगे हम लोग आपको दिखाएंगे। मतलब जब आप लोग इसे देखने आएंगे तब आपको एहसास होगा कि कितनी, मतलब आप किसी भी बेंच पे आके यहाँ बैठ जाएंगे तो आपको वो शांति मिलेगी कि आपका यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। और आगे वो जो आप देख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो अंग्रेजों ने सोचा कि आगे सम्राट अशोक की विदिशा के अंदर ससुराल है, तो क्या सम्राट अशोक ने इन स्तूपों के अंदर कहीं कोई सोना या खजाना तो नहीं छुपा दिया है। तो उन्होंने एक स्तूप को खोद कर देखा तो उन्हें सिर्फ अस्थियाँ मिली, जिसको लेकर वो अपने देश लौट गए और वहाँ उन्होंने एक संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम में उसको रख दिया। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तब उन्होंने जब वो वहाँ घूमने गए 1952 में उन अस्थियों को वापस लेके आए, तो वो अस्थियाँ दोबारा तो स्तूपों के अंदर नहीं रखी गई, लेकिन वो जो सामने आप देख पा रहे हैं वो अस्थियाँ वहाँ पे हैं। और बताया जाता है कि हर साल नवंबर के आखिरी संडे को वो अस्थियाँ, मतलब यहाँ बहुत बड़ा एक मेला लगता है और नवंबर के आखिरी संडे को उसको दिखाया जाता है और यहाँ बहुत सारी भीड़ के साथ बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने, उसका मुआयना करने, उसके दर्शन करने।
आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक स्कूल मतलब जहाँ से शिक्षा दी जाती थी बुद्धिज्म की, वो हिस्सा कहाँ है, आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो हिस्सा है साथियों, तो जिसको आप देख पा रहे हैं पीछे पहाड़ है, बादल बिल्कुल टच है, लगे हुए हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये दरअसल लोग, बहुत सारे लोग भूल भुलैया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन उस समय पे ये स्कूल की क्लासेस हुआ करती थी, जिसके अंदर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हुए बहुत भिक्षु जो है वो धम्म की दीक्षा देते थे यहाँ से और प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को धम्म के बारे में सिखाते थे, बताते थे। वो ये हिस्से हैं, पहले समय में इनके ऊपर छत हुआ करती होंगी या ये ऊँचे हुआ करते होंगे, इस बात का अभी कोई प्रमाण दे पाना मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने यहाँ के बारे में जाना वो यही है। और ये जो आप तालाब देख पा रहे हैं ये खाली है, ऐसे और दो तीन बने वो भरे हैं। इनके अंदर बौद्ध भिक्षु जो यहाँ धम्म का प्रचार प्रसार करते थे वो इनमें नहाया करते थे, और बाकी पीने वगैरह का पानी वो नीचे से ले आया करते होंगे कुएं वुएं में से। और मतलब मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित आज महसूस कर रहा हूँ कि मैं धम्म की धरोहर और सम्राट अशोक की धरोहर, जो उन्होंने देश के अंदर 84,000 विशाल का स्तूप बनवाए, उनमें से आज बहुत सारी जगहों पे मंदिर बना दिए गए हैं, हमारे इतिहास को दबा दिया गया है, ये आज मैं आपको वहाँ लेके आया। इनको लोग भूल भुलैया बोलते हैं, लेकिन असल मायने में ये क्लासेस हैं। ये आप देख पा रहे हैं पुराने किले जैसा ही ये है, हाँ कुछ पुराना किला ही है, लेकिन ये उन स्तूपों का एक हिस्सा है जिनको हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सम्राट अशोक के द्वारा ये धरोहर बनवाई गई 84,000, अभी तो हम सिर्फ एक में ही हैं, आगे मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा। प्रतिमा है नहीं, ये आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। ये जैसा मैंने आपको वहाँ गेट दिखाया था सामने, आप दिखा दीजिए उनको, वो गेट दिख जाएगा सामने, ये वाला जो गेट आपने देखा होगा ये। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ये बताते खंडित किया गया, बहुत सारे लोग ये बताते कि ये सारा हिस्सा जो है वो जमीन में दब गया था, पेड़ पौधे पानी 500-700 सालों तक कोई चीज़ दबी रही, तो इसीलिए फिर उन हिस्सों को ऐसे रख दिया गया। मैं ऊपर चढ़ जा कितना हिस्ट्री को जानना चाहिए, कितना अच्छा लग रहा है हिस्ट्री जान के, कि मैं बार बार कहूंगा कि बड़ा कुर्बानवित और सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ कि इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ देखने को मिला। जिन 84,000 स्तूपों के बारे में सिर्फ हम लोग सुनते ही आए, और उनमें से कुछ स्तूपों में आज मैं घूम पा रहा हूँ, तो शायद अगर मैं इस सफ़र में ना निकलता तो मैं इन सारी चीज़ों को ना जान पाता ना देख पाता कि आखिर ये है क्या। ये देखिए साथियों, बताते हैं कि यहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन आज फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, सारी प्रतिमाएं जो है वो खंडित है। यहाँ से बहुत अच्छा आपको नज़ारा दिखेगा उधर, दिखाओ आओ कैसे जाओ। अच्छा नहीं साथियों, मैं गलत था, यहाँ प्रतिमा है लेकिन वो थोड़ी खंडित है, ये पास आके मैं आपको दिखा देता हूँ, है सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई वो धरोहर, आप देख सकते हैं, ये देखिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा दिखा पाए, हालांकि ये बंद पड़ा है, ताला लगा है इसमें। मैं आपको इतिहास दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ,
लेकिन समाज की जितनी धरोहर है वो आपको दिखानी चाहिए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैट्रिकुलेशन हॉल, शायद पिछले समय में इसके ऊपर कुछ छत रही होगी। और ये मेडिटेशन हॉल है, मॉन्क यानी कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते थे। और